पर सरपरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरकार क्या करेगी, गोली मारेगी, हम गोली खाने को तैयार है सीने पर, इससे बड़ी क्या बात होगी। तमाम टीवी चैनलों पर सिर्फ मोदी जी के उद्घाटन की तस्वीरें चल रही है, बस कोई नहीं दिखा रहा देश की बेटियों को। इन पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए, जो बहन बेटियां एंकर बन के बैठी है इन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म कम से कम इतनी तो दलाली मत करो कि अरे हम गुंडे हैं, हम बदमाश है क्या, चोर डकैत आतंकवादी हैं हम, कहां से आपको गुंडे बदमाश लगते हैं, हम जरा ये बताइए। अपनी बेटियों के इंसाफ में हम आए थे, अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए हम आए थे, आप उठा के हमें जेल के अंदर बंद कर रहे हो। सरकार को उस गुंडे बदमाश को बंद करना चाहिए। और मैं अपने देश की, और आज आपको मैं बता दूं, मैं भी जंतर मंतर से ही आ रहा हूं। जंतर मंतर के अंदर एंट्री सिर्फ गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों की थी, जो सरकार का जूता चाटते हैं, सिर्फ उनकी एंट्री थी, बाकी किसी को घुसने नहीं दिया अंदर। और जो अंदर घुस रहे थे उसको पुलिस उठा उठा के लेके जा रही थी। देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक और पहलवानों को डिटेन किया गया, दूसरी ओर जंतर मंतर से सारा कुछ हटा दिया गया। एक और तो आप कहते हैं कि ये देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो क्या लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करने का हक और अधिकार भी नहीं है? प्रोटेस्ट देखिये, मैं आपको बताऊं, इस देश की जो सरकार की जो नाकामयाबी है ना, देश के प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन जरूर करा है, लेकिन आज देश का सबसे बड़ा काला दिन आप ये समझ लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दिन कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं भूला जाएगा ये दिन, जिस दिन देश के पहलवान जो देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं उनको किस तरीके से बेरहमी के साथ में बस के अंदर भर दिया गया ऐसे पुलिस के द्वारा। महिलाएं भी थी वहां पर, तमाम लोग थे, लेकिन पुलिस को जरा सा भी शर्म नहीं आई। और दूसरी बात ये, एक बलात्कारी को बचाने में आज पूरी सरकार लगी हुई है। एक और तो देश के प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी ओर लोकतंत्र को जो उस तरीके से खत्म किया जा रहा है, आज आप समझ लीजिए देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक और पहलवानों को डिटेन किया गया, दूसरी ओर जंतर मंतर से सारा कुछ हटा दिया गया। एक और तो आप कहते हैं कि ये देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो क्या लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करने का हक और अधिकार भी नहीं है? प्रोटेस्ट करने का हक और अधिकार भी नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या है या नहीं है? जब है तो फिर एक बताइए, सरकार ने किससे पूछ के जंतर मंतर पे लगा टेंट हटाया? एक बलात्कारी को बचाने में पूरे देश की सरकार जुट गई है। उस बलात्कारी के लिए देश के जो स्वर्ण पदक लेकर आए हैं उनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनको लाठियों डंडे से पिटवाया जा रहा है सिर्फ एक बलात्कारी को बचाने के लिए, क्या ये जायज है? अभी तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं। अरे आरोप सिद्ध नहीं हुए, एक बात आप मुझे बताइए, उसके ऊपर पहले कितनी धाराएं लगी हुई है? वो गुंडा आदमी है, गुंडा आदमी है वो, नहीं है गुंडा बताओ आप। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग वहाँ पंचायत करने वाले थे संसद भवन के पास, अरे एक बात आप मुझे बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री ने 33 दिन से जो कान में रुई ठूस रही थी, तो उसको समझ में नहीं आया कि पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है? 33 दिन से कान में रुई ठूस के बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री, आज जब देश की बेटियां पार्लियामेंट पर पंचायत करने पहुंची तो इन्हें नजर आ गया और सबको उठा के एक बारी में बंद कर दिया, पूरा आंदोलन उठा दिया। है कि जिस तरह से महिला पहलवान की रोती हुई तस्वीर आई जी, तो क्या ये प्रधानमंत्री तक ये तस्वीर नहीं पहुंच पा रही है? अरे प्रधानमंत्री के पास तस्वीरें पहुंचती हैं तो पता है किसकी? स्मृति ईरानी की, गृह मंत्री अमित शाह की। स्मृति ईरानी के पास तस्वीरें पहुंचती है अपनी बेटी की, लेकिन देश की बेटियां किसी को नजर नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री, एक बात आप मुझे बताइए, 33 दिन से बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कितनी धाराओं में मुकदमा दर्ज है आप बताइए? उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि उसने एक व्यक्ति का मार भी दिया था, खुद इंटरव्यू में उसने बोला। तब भी आप बताइए, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? 33 दिन से बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, और आज पहलवानों को डिटेन करके सबको चारों दिशाओं में अलग अलग जगह लेके चले गए हैं ये लोग। जो किसान अलग अलग बॉर्डर पे आ रहे थे अलग अलग राज्यों से जी, उनको भी रोक दिया गया, दिल्ली प्रवेश नहीं करने दिया गया है। एक बात आप मुझे बताइए, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन है, तमाम मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, तमाम बॉर्डर बंद कर दिए, ये तानाशाही आदमी है नरेंद्र मोदी, इस देश की जनता से डरता है, मैं आपको बोलता हूँ। ये पहले देश के प्रधानमंत्री है जो देश की जनता से डरते हैं, तभी तो जब लाल किले से झंडा लहराते हैं तो कंटेनर की दीवार खड़ी करते हैं, जब 26 जनवरी पे भाषण देते हैं तो कंटेनर की दीवार खड़ा करते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जो देश की जनता से डरता है, क्योंकि इन्होंने, अरे मुंह बंद करो आप अपना, क्योंकि इन्होंने काम ही वही किया इस देश में, काम ही वही किया है जिससे देश की जनता परेशान हुई है। आज जितने भी आर्मी के अंदर लोग हैं, मिलिट्री में लोग हैं, पुलिस में लोग हैं,
सब किसान के बेटे हैं और किसान के बेटों से उनके बाप को पिटवाने का काम इस देश की सरकार कर रही है, बात मैं आपको बता देता हूँ। जो पहलवान अभी तो बहन है लेकिन रो रही है ना, आंसू आ रहे हैं। एक महीने से ज्यादा प्रदर्शन हो गया, प्रधानमंत्री खामोश, स्मृति ईरानी खामोश, चुप है, खुद महिला है। अरे ये देखिए पूरे देश की, और आज आपको मैं बता दूं, मैं भी जंतर मंतर से ही आ रहा हूँ। जंतर मंतर के अंदर एंट्री सिर्फ गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों की थी जो सरकार का जूता चाटते हैं, सिर्फ उनकी एंट्री थी, बाकी किसी को घुसने नहीं दिया अंदर। और जो अंदर घुस रहे थे उसको पुलिस उठा उठा के लेके जा रही थी। अरे हम गुंडे हैं, हम बदमाश है क्या? जो डकैत आतंकवादी हैं हम, कहां से आपको गुंडे बदमाश लगते हैं हम, जरा ये बताइए। अपनी बेटियों के इंसाफ में हम आए थे, अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए हम आए थे, आप उठा के हमें जेल के अंदर बंद कर रहे हो। सरकार को उस गुंडे बदमाश को बंद करना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ, आज तमाम पुलिस के बलों को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बेटियां हैं, ये आपके पिता हैं। आप अपनी बेटियों के सम्मान में नहीं उतर सकते तो कब आप उतरोगे, क्या बताइए? लेकिन आपको नहीं लगता कि आंदोलन कुचल दिया गया, खत्म हो गया? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप कितने भूषण जैसे अपराधियों को बचाएंगे और कितनी बार बचाएंगे? मैं आपको बता दूं कि अब इस देश के बच्चे बच्चे के अंदर सरपरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरकार क्या करेगी? गोली मारेगी, हम गोली खाने को तैयार हैं सीने पर, इससे बड़ी क्या बात होगी? हम अपनी बेटियों की शान में, अपने जवान अपने किसान की शान में अपना सर कटा सकते हैं। आज की डेट में कोई गोली से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, हम देश की बेटियों को न्याय दिलाते दिलाते मर जाएंगे, हमारे लिए सौभाग्य होगा। लेकिन अब हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे, हम आपको बात बता देते हैं। टेंट उखड़ गए, टेंट उखड़े, चाहे कुछ भी उखड़े, टेंट ही तो उखड़ा है, हौसले तो नहीं उखड़े हैं। जब तक हमारी गर्दन नहीं उखाड़ देंगे ना, सर हमारे धड़ से अलग नहीं कर देंगे, तब तक हमारे हौसले परस्त नहीं होंगे। हौसलों को परास्त करना है तो या तो हमें गोली मार दो या हमें जहर दे के मार दो, तब हमारे हौसले परास्त होंगे। सवाल यह है कि संसद भवन का उद्घाटन था, जश्न मना रहे थे, आप लोग खलल डालने में लगे हुए थे। अरे एक बात आप मुझे बताओ, 33 दिन से बेटी बैठी है, कौन सी रुई डाल रखी थी कान में? और क्या बहरे हो गए प्रधानमंत्री? 33 दिन से दिखाई नहीं दिया? 33 दिन से पहले अगर वो बेटियों को इंसाफ और न्याय दिला देते तो बेटियों को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर से सिर्फ 2 ही मिनट आगे बढ़ने दिया और किसी भी पत्रकार को अंदर नहीं घुसने दिया, सोशल मीडिया के पत्रकार को, ताकि अंदर की खबर बाहर ना आ सके। लेकिन जो मोदी जी को अपना डैडी समझते हैं, उन गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों को सबको अंदर जाने दिया ताकि वो मोदी जी के बारे में अच्छाई दिखाएं और बुराई दिखाएं ना। तमाम टीवी चैनलों पर सिर्फ मोदी जी के उद्घाटन की तस्वीरें चल रही हैं, बस कोई नहीं दिखा रहा देश की बेटियों को। इन पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए, जो बहन बेटियां एंकर बन के बैठी है इन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म कम से कम इतनी तो दलाली मत करो कि बेटी के न्याय को भूल जाओ। कैसे खत्म हो जाएगा? तुम्हारे घर से राशन आ रहा है इस आंदोलन में है? अगर तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ होता तो यही बोलते क्या? क्यों हो जाएगा खत्म? इतनी पब्लिक क्या करने के लिए आई है? क्या करने आई है इतनी पब्लिक के, बताइए ना आप मुझे। क्या ये आंदोलन का संकेत है, पार्ट 2 किसान आंदोलन? ये इनसे पूछ लीजिए, अपनी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? भाई साहब आप इनसे पूछ लीजिए। और हम लोग ना किससे डरने वाले लोग नहीं है, क्या करेगी सरकार? मैं देश के प्रधानमंत्री से यही कहूंगा कि आप हमें आपस में लड़ाने से अच्छा है कि जब परमाणु रख रखे हैं, ये परमाणु किसी और देश में तो आपकी चलाने के औकात है नहीं, हमारे देश पर ही छोड़ दो। कम से कम देश की बेटियों के साथ यौन शोषण बलात्कार से बेटियां बचेंगी, ऐसे ही मर जाएं, उससे बढ़िया तो है। अयोध्या में महापंचायत हो रही है, 11 लाख लोग आ रहे हैं, 11 लाख लोग अयोध्या में आ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार कितनी लाठी चार्ज करेगी और कितने लोगों को डिटेन करेगी। एक को डिटेन नहीं करेगी सरकार, मैं आज आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का आदमी है, सिर्फ इसलिए। और ये किसान, ये बेटियां भाजपा की नहीं है, बस इसलिए। देखता हूँ मैं 11 तारीख को कितने लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। बात कर रहे थे जितने भी बड़े कैमरे वाले थे वो सब अंदर थे, जितने भी सोशल मीडिया के लोग, तो आखिर सरकार को क्या बताया गया? जो सरकार के तलवे चाटते हैं, बस वही पत्रकार अंदर थे जिन्हें गोदी मीडिया का पत्रकार कहा जाता है, बाकी सब सोशल मीडिया के पत्रकारों को बाहर रख रखा था। यही इस देश का दुर्भाग्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।